नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां शहर कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध 13/21 पर 25/27 एक्ट के पंजीबद्ध फरार आरोपी नामी 5,000 रुपए स्वदेश उर्फ राजू तोमर उम्र 30 साल निवासी सुजानपुरा जिला मुरैना को प्राइवेट बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उदयभान सिंह के द्वारा आरोपी से कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी ने अपहरण करना स्वीकार किया है। शहर की नवादा बाग कॉलोनी में रहने वाले ट्रक मालिक जितेंद्र यादव के परिजनों ने अपराध पंजीबद्ध कराया, जहाँ 17/12/2020 को लिखित आवेदन दिव्यांशु यादव पिता स्वर्गीय सहदेव सिंह यादव निवासी नवादाबाग के द्वारा किया गया कि उनकी पत्नी रिश्तेदार जितेंद्र यादव और गुड्डू की पत्नी के मोबाइल पर एक कॉल आ रहा था, जो कि 18 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसने ट्रक मालिक के साथ ही ट्रक चालक का मैं ट्रक के अपहरण करने की बात मोबाइल पर कर रहा था, अगर पैसा नहीं दिया गया तो मार दिया जाएगा, जिसने उसकी पत्नी और परिवार के लोग भयभीत हैं। इस आवेदन पर शहर पुलिस के द्वारा 19/12/2020 को अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार एक टीम गठित कर मामले की जाँच पड़ताल की गई, जिसमें शहर थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव के द्वारा जगह जगह पूछताछ कर तथ्य एकत्रित किए गए और मुखबिर तंत्र के माध्यम से आरोपी ट्रक ड्राइवर स्वदेश उर्फ राजू तोमर पर नजर रख कॉल डिटेल निकाली गई। साइबर सेल के माध्यम से पुलिस ने ट्रक के स्थान को पता लगाकर गुना पुलिस की सहायता से फिरौती की मांग करने वाले बदमाशों के चंगुल से ट्रक MP09HH2546 के साथ ट्रक मालिक को सकुशल बरामद कर परिजनों को बताया। फिरौती की रकम मांगने के बाद परिवार के लोग रिश्तेदार सभी अलर्ट हो गए कि परिजनों की सूचना पर गुना पुलिस की मदद ली गई, जहां ट्रक के बारे में बताया गया रूठियाई चौकी क्षेत्र एबी रोड गादेड गुफा मंदिर के पास एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा है, जिसकी पतारसी करने पर ट्रक बरामद हो गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर भाग गया है। पुलिस की टीम द्वारा आरोपी की सूचना मुखबिर तंत्र के माध्यम से प्राइवेट बस स्टैंड की मिली। तत्काल मौका स्थान पर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और कड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर सारी कहानी आरोपी ने बयां कर दी। अपहरण करते हुए व्यक्ति को मुक्त करने और आरोपी को पकड़ने में इन सभी की भूमिका रही। उदयभान सिंह यादव HC सुरेंद्र भदौरिया, आरक्षक जितेंद्र यादव सत्येंद्र भदौरिया, इनकी भूमिका रही। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। इसका मामला ये है कि 15 दिसंबर को जितेंद्र यादव जो नवादाबाद में रहते हैं, वो अपनी गाड़ी, यानी वो मालिक भी है और गाड़ी का ड्राइवर भी है, ट्रक है उसके पास, तो बरेली से माल भरा था बॉम्बे के लिए, क्योंकि बॉम्बे दूर था तो सपोर्ट के लिए वो इसको पहले से जानता था। सुदेश उर्फ राजू तोमर सन ऑफ गजेंद्र सिंह तोमर, ये नगरा मुरैना क्षेत्र का रहने वाला है, अभी यहाँ बस स्टैंड पे कहीं अपने रिश्तेदारी में रह रहा था, तो इसकी जान पहचान थी जितेंद्र की, तो उसको अपने साथ ले गया था। तो इसने प्लान करके अपने साथियों से, जो इसके साथी गुना के हैं, उनसे मिलके गुना के पास में इसका अपहरण करवा दिया, खुद कर लिया इसने, करवा नहीं दिया, खुद पकड़ के ले गया अपने साथियों के साथ और गाड़ी हाईवे पे छोड़ गया था। पता जब चला गुना पुलिस को, जब हमने बताया, हमें पता चला इसने जब मांग की, जिसका अपहरण किया है जितेंद्र का, उसके घर पे इनने 18 लाख रुपया लेके आने के लिए फोन किया था, तो उन लोगों ने हमें सूचना दी गोपनीय रूप से कि साहब वो ये कह रहे हैं मर्डर कर देंगे, पुलिस को नहीं बताना है। तो हमने गुना पुलिस से चर्चा की, बात की, वहाँ के SP साहब ने तत्काल अच्छे अधिकारियों को लगाया, इसकी घेराबंदी कर ली, तो 2 दिन के अंदर वो पकड़, जो जितेंद्र को पकड़ा था उसको छुड़वा लिया, लेकिन ये पुलिस के चंगुल से भाग निकला था। इसकी गिरफ्तारी के लिए गुना पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। हम लोग इसकी तलाश में कई दिनों से लगे थे, आज पता लगा था कि ये कहीं भागने की फिराक में बस स्टैंड पर देखा गया है, तो मुखबिर के बताए अनुसार उसको घेराबंदी करके पकड़ा है, उसके कब्जे से 315 रुपये कट्टा और राउंड मिले हैं। गुना की घटना जितेंद्र के अपहरण के संबंध में बातचीत की है, तो पूरी घटना उसने स्वीकार की है,
कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण किया था।